हेलो गाइस, वेलकम टू कैरी एक्टिविटी चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे हम चक्की को साफ करने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स खोलना होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से इसको यूज़ किया है और उसमें जो एक प्रकार का चका रहता है वो भी निकाला है, और इस तरह से इसमें फाइव पैच लगे होते हैं, तो पाना की हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे। हाँ, हमने ये सारे पैच खोल लिए हैं। अब हम बहुत ही केयरली इसको निकालेंगे क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, चक्की का एक पार्ट होता है और ये बहुत ही हैवी होता है, इसलिए आप बहुत ही केयर के साथ इसको निकालें। और ये देखिए, हम प्रोसेस कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट है ना, दोनों ही निकल आए हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम घुमा घुमा के निकालेंगे और दोनों पार्ट हमने बाहर निकाल दिए हैं। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे साइड से भी इसके जो इसको होते हैं उनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चक्की में कितना सारा आटा भरा हुआ है। अब हम इस आटे को भी ब्रश की हेल्प से निकालेंगे और चक्की को बहुत अच्छे से हम धुल सकते हैं। आप चक्की को धुलने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें, उसके जितने भी मेन स्विच होते हैं उन सभी तारों को, मेन स्विच को आप ऑफ कर दें, तारों को निकाल दें, उसके बाद ही चक्की से पानी से धोने का काम करें। हाँ, इस तरह से अब यहाँ पर ग्रीस वगैरह लगा रहे हैं। चक्की हमारी धुलकर सूख गई है बहुत अच्छी, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसको फिट करना, हाँ इस तरह से इसका एक पॉइंट मिलाना होता है। एक पॉइंट अगर आपका पैच का मिल गया तो सारे अपने आप ही मिल जाते हैं। बस इस तरह से हम उनके जो बोल्ट होते हैं उनको कस देंगे। बीच में देखिए, हम बारिश का पानी भी भर रहे हैं और इसके बाद हम लगाएंगे चक्का, जो कि चक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इससे हमारी चक्की, हाँ एक पार्ट मोटर के उसमें और एक ये जहाँ हमारे पार्ट होते हैं ना वहाँ, बस इसको इजीली घुमाते जाइए तो ये इसमें सेट हो जाता है ना, इस तरह।